नमस्कार दोस्तों, वीपी स्टूडेंट कॉर्नर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कंपटीशन की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिव्यू ऑफिसर मतलब आरओ की 132 वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों, इस एग्ज़ाम की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, और अगर निगेटिव मार्किंग के एग्ज़ाम देने के बाद इसमें सबसे बड़ी चीज़ कोई इंटरव्यू नहीं है। ऑफिसर ग्रेड की वैकेंसी होने के बावजूद दोस्तों इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है और एग्ज़ाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जितनी भी वैकेंसी आए मैं उसके नोटिफिकेशन अपलोड करूँ को आप तो तुरंत मिलती जाए। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आरओ की जो वैकेंसी निकली है इसकी क्या योग्यताएँ होनी चाहिए, कितनी फ़ीस है, लास्ट डेट कब है, कब से फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है, सबके बारे में जानेंगे वीसी से आगे। दोस्तों, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो आरओ की वैकेंसी निकली है उसकी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। दोस्तों, यह 26/9/2019 को पोस्ट किया गया था, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है, और इससे हमें मतलब है कि जो एडवर्टीजमेंट नंबर इसका आरओ की जो वैकेंसी निकली है दोस्तों उसका एडवर्टीजमेंट नंबर 02/RO/1019 है, और ये फॉर्म 29 सितंबर से ही फॉर्म अप्लाई हो रहा है, और फीस जमा करने की जो स्टार्टिंग डेट है वह दोस्तों 1 अक्टूबर से है। फॉर्म जो शुरू हो चुका है मतलब आज फॉर्म को आए 5 दिन हो गए हैं, आज 5 अक्टूबर है, और उसकी सबसे बड़ी खास बात दोस्तों जो लास्ट डेट है वह आप 21 तारीख तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 21 अक्टूबर तक, और फीस जमा करने की लास्ट डेट 22 तारीख है। तो दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, कब फॉर्म की लास्ट डेट है 21 तारीख, फीस जमा करने की लास्ट डेट है 22 अक्टूबर। दोस्तों, देखते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसियाँ हैं। तो रिव्यू पोस्ट के लिए, रिव्यू ऑफिसर के लिए टोटल 132 वैकेंसियाँ आई हैं, और जो आपकी पे स्केल होगी दोस्तों वह 47,600 से 1,51,100 रुपये तक हो सकती है, और जो स्टार्टिंग आपकी जो सैलरी होगी वह 47,600 रुपये होगी। दोस्तों, अब मिनिमम इस योग्यता क्या होनी चाहिए, वह दोस्तों किसी भी फील्ड में आप बैचलर डिग्री ज़रूर होनी चाहिए, किसी भी फील्ड में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री जैसे कि आपने बीए किया हुआ हो, बीएससी किया हुआ हो, बीकॉम किया हुआ हो, बीटेक किया हुआ हो, बीबीए किया हुआ हो, ग्रेजुएशन डिग्री रिक्वायर्ड है। उसके बाद आपके पास एक कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए, जैसे आपने ट्रिपल से किया हो, 1 साल का कंप्यूटर में डिप्लोमा किया हो, या कंप्यूटर की कोई भी डिग्री हो, ओ लेवल सर्टिफिकेट हो, तो वो जरूरी है। अगर आपके पास ये दोनों सर्टिफिकेट हैं तो आप इस फॉर्म को एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। दोस्तों, अब आइए देखते हैं कि कैटेगरी वाइज ब्रीफ किसान पोस्ट कौन सी कास्ट के लिए कितनी ज़्यादा पोस्टें हैं। तो दोस्तों, इसमें जैसा कि हम देखते हैं कि एससी के लिए 27 सीट हैं, एसटी के लिए 2 सीट हैं, ओबीसी के लिए 35 सीट हैं, और जनरल में 68 सीट हैं। कुल मिलाकर के टोटल 132 पोस्ट बनते हैं। ये वर्टिकल रिजर्वेशन की बात हो गई। अब बात करते हैं अगर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की, जैसे अगर आप डीएम फाइटर हैं, वोमन हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, तो आपको कितनी वैकेंसियाँ परसेंट रिजर्वेशन मिलेंगी। दोस्तों, अगर आप महिला हैं तो आपको 20% रिजर्वेशन मिलेगा, अगर आप डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर हैं तो 2% मिलेगा, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं कहीं जॉब कर चुके हों तो आपको 5% रिजर्वेशन मिलेगा, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको 3% रिजर्वेशन मिलेगा, और खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 1% का रिजर्वेशन है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके क्वालिफिकेशन की डिटेल में क्या क्या आपके पास योग्यताएं होनी चाहिए। जैसा कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि सबसे पहली चीज़ आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी फील्ड में, जो भारत के संविधान से निर्मित हो कॉलेज वहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी फील्ड में आपको, ठीक। उसके बाद आपको कंप्यूटर में 1 साल का डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर में, अगर कम से कम आपके पास ये भी नहीं है तो ट्रिपल सी तो कम से कम दोस्तों ज़रूर होनी चाहिए आपके पास। ट्रिपल सी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि डिग्री आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद कंप्यूटर में अगर आपके पास मिनिमम ट्रिपल सी है तो भी काम चल जाएगा, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ओ लेवल है अगर आपके पास, या 1 साल का कंप्यूटर कोर्स है तब तो कोई बात ही नहीं है, और अगर आपने इतना कोर्स किया है तो ये जो दिया है डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग और कंप्यूटर ऑपरेशन, ये तो आप लोग नॉर्मली जानते ही होंगे। अब बात करते हैं प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन की। अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी में या फिर एनसीसी में भी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है तो आपको प्रिफ्रेंस पहले दी जाएगी। अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी में कम से कम 2 साल की जॉब की है, या अगर आपके पास एनसीसी का भी सर्टिफिकेट है, तो आपकी प्रिफ्रेंस पहले दी जाएगी। अब दोस्तों, बात करते हैं उम्र की, कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, हाईकोर्ट में जो रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट होती है वह मिनिमम 21 साल होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 21 साल है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 21 साल से अगर कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, 21 साल मिनिमम और 35 साल मैक्सिमम। अब बात करते हैं, ये तो हो गया जनरल कंडीशन। अब जो रिजर्वेशन होती है ओबीसी, एससी, एसटी के लिए, या फिर
फिजिकली हैंडीकैप के लिए, उनके लिए उम्र में आरक्षण की क्या व्यवस्था है मैं वो बताऊंगा दोस्तों। देखिएगा जो SC और ST हैं उनके लिए 5 साल का रिजर्वेशन है। जैसे अगर आपकी उम्र, अगर आप SC या ST हैं और आपकी उम्र 40 साल है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। OBC वालों के लिए 3 साल के लिए है, OBC वाले 38 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो अगर आपकी उम्र 50 साल भी है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें दिया है कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होनी चाहिए। बहुत आप लोग जानना चाहेंगे कि मतलब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस में आपके 2 स्टेज के एग्ज़ाम होंगे, जो आपका रिटेन होगा वह 2 एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले स्टेज 1 और स्टेज 2। दोस्तों स्टेज 1 में क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे क्वेश्चन होंगे और 200 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे और यह 2.5 घंटे का क्वेश्चन पेपर होगा। सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप आराम से पेपर कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से टेंशन फ्री होकर पेपर कर सकते हैं। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब स्टेज 2 की बात करें, अगर आपने स्टेज 1 क्वालिफाई कर लिया है तब आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। अगर आपने स्टेज 1 क्वालिफाई कर लिया है तो स्टेज 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा। और स्टेज 2 बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, स्टेज 2 में सिर्फ आपकी टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में। टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी और वो भी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में। और दोस्तों अब देखिए 50 नंबर का रहेगा, 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा और 500 वर्ड आपको टाइप करने होंगे बस। अगर आप इन दोनों एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं स्टेज 1 और स्टेज 2 तो आपको एक मेरिट बनाई जाएगी, फिर मेरिट के अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं कि स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या है। दोस्तों देखिए स्टेज 1 के लिए आपको 200 क्वेश्चन दिए जाएंगे और ये 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। इसमें सिलेबस बहुत ही सिंपल है। सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें मैथ के कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके GS के ही क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ GS के। अब सिलेबस देखिए, जैसे दोस्तों जनरल साइंस है आपका, पढ़ते ही हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, भारतीय नेशनल मूवमेंट जो मतलब 1800 आधुनिक इतिहास कर सकते हैं जैसे आपको, और इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, भारतीय कृषि और कॉमर्स एंड ट्रेड, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है थोड़ा बहुत। और उसके बाद आपका दोस्तों सिलेबस में है पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन, इन सिर्फ भारत को लेकर ये पढ़नी है, दुनिया को नहीं। और उसके बाद है वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट, जो करंट अफेयर आप लोग पढ़ते हैं वो उसके बारे में थोड़ा दिया है, और जनरल इंटेलिजेंसिया, ये थोड़े बहुत रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। और दोस्तों इसमें दिया है कि स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश। UP से थोड़े बहुत क्वेश्चन पढ़ना है क्योंकि UP में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इसलिए थोड़ा आपको UP पढ़ना है। तो आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा UP पे विशेष ध्यान देना है दोस्तों आपको। उसके बाद दिया है नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, और आपको UP पढ़ना है दोस्तों। अब ये है, उसके बाद आपको थोड़ी बहुत पढ़ाई हिंदी के लिए भी करनी होगी और थोड़े क्वेश्चन आपके इंग्लिश से आएंगे, ठीक। और दोस्तों कंप्यूटर की नॉलेज भी आपको जरूरी होनी चाहिए। ये हो गया स्टेज 1 की बात। और स्टेज 2 की बात करें तो दोस्तों बस वही हमने जो बताया था आपको, 15 मिनट में 500 वर्ड दिए जाएंगे और उसके नंबर होंगे 50। तो इस प्रकार स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों मिला करके 250 नंबर का आपका ये पेपर होगा दोस्तों। अब बात करते हैं आगे कि ये है, अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप ये जो नंबर दिए गए हैं उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी भी वर्किंग डे के दौरान 10 से 5 बजे के बीच। और अगर आपको बाय द वे कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लग रहा है, कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप मेल कर सकते हैं, मेल आईडी ये है दोस्तों और कॉन्टैक्ट नंबर ये है दोस्तों। 10 से 5 बजे के बीच कभी भी आप इन दोनों नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और बात है कि फ़ीस की कितनी है, तो दोस्तों जनरल और OBC के लिए फॉर्म की फ़ीस 750 रुपये है और SC ST के लिए है 500 रुपये। ध्यान दीजिएगा SC ST भी जो UP के हैं, ये सुविधा 500 वाली जो UP के ही हैं। अगर आप UP के बाहर के कैंडिडेट हैं SC ST तो आप जनरल में ही कैलकुलेट किए जाएंगे और फिर आपको 750 रुपये फॉर्म पे करना होगा दोस्तों। अब बात करते हैं आगे कि डेट ऑफ एग्ज़ाम, वेन्यू एंड टाइम कब होगी दोस्तों। ये दिया नहीं गया है, इन्होंने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की साइट पे आप जाते रहिएगा, जब भी होगा वो आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड भी दोस्तों आपको बता दिया जाएगा कि कब, वो आपकी साइट पर और मेल पर दोनों दे दिया जाएगा दोस्तों। ये करेक्टर की बात है। और सबसे खास बात, बाय द वे कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनकी शादी भी हो चुकी है, ठीक, जैसे 35 साल उम्र तक मांगा है और 40 साल या 38 साल SC ST के अकॉर्डिंग, ठीक। तो अगर आप विवाहित हैं
और अगर आप एक से ज़्यादा पत्नी रखते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ दिया है कि मोर देन वन वाइफ इज़ नॉट एलिजिबल। ठीक, और आपको फिजिकली फिट होना है दोस्तों, किसी भी प्रकार की आपको बीमारी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब लैंग्वेज की बात करते हैं, बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का है तो लैंग्वेज क्या होगी, दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं है, किसी प्रकार का तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। अब हाउ टू अप्लाई या फीस डिपॉजिट प्रोसीजर क्या है, मतलब फॉर्म को कैसे अप्लाई करें और फीस कैसे जमा होगा, तो ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आप नॉर्मली इलाहाबाद हाईकोर्ट की साइट पर जाइए, या फिर अगर आप वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो दो साइट हैं, एक freejobwala.com है और दूसरी sarkarirezult.com है, जो कि भारत में बहुत ज़्यादा फेमस है प्रतियोगी परीक्षार्थियों के बीच। तो आप इन दोनों साइट पर जाके वहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और फीस की बात रही तो दोस्तों, ये फीस आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जमा कर सकते हैं, फीस जो है आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जमा कर सकते हैं। और दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि फॉर्म अप्लाई करते समय बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि यार मैंने ये सर्टिफिकेट ले भूल गया, वो सर्टिफिकेट भूल गया, तो यार कोई भी फॉर्म अप्लाई करो, पहले ही सारे डॉक्यूमेंट सारे सर्टिफिकेट आप लोग अपने पास रख लीजिए। अब बात होती है ऑनलाइन पेमेंट की और ऑफलाइन पेमेंट की। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, तो आप ATM के थ्रू कर सकते हैं, या डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, UPI के थ्रू कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं, मतलब आप चालान के माध्यम से करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको SBI में ही जाना होगा, SBI ब्रांच, और वहाँ पर आपको ये जो दिया है मेक पेमेंट, और जो चालान में भरना है वो ऑटोमेटिक, मतलब ऑटोमेटिक जनरेटेड पेज होता है, तो आपको सिर्फ प्रिंट आउट निकालना है, उसके बाद जाना है, ये लिखा रहेगा एडवर्टीजमेंट नंबर 2RO 2019, ये चेक कर लेना है आपको ये लिखा है कि नहीं। उसके बाद आप बैंक जाइए, फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के 24 घंटे बाद आप ये पैसे जमा करेंगे, और जब पैसे जब मतलब जो वहाँ से आपको चालान मिलेगा, फिर आपको आना होगा, फिर अपने लॉगिन करना होगा, लॉगिन करने के बाद ये जो चालान पे जो आपको नंबर मिला है उस नंबर को आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एंट्री करना है, फिर उसके 48 घंटे बाद आपको देखना है कि आपका पूरा फॉर्म फिलअप हो चुका है। इस प्रकार आपका ऑफलाइन वाले कंडीशन में इस प्रकार आपका फॉर्म टोटल 3 दिन लग जाते हैं भरने में। दोस्तों, इंपॉर्टेंट नोट्स ये सब आप पढ़ लेंगे, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। तो बस दोस्तों, इसके लिए बस इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद।